नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल समाचार पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड 2018 परीक्षा से संबंधित टीचर में जो SMS की स्थिति है उसके बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रशिक्षण ले या दे RPC की परीक्षा, दुविधा में है राज्य कर्मचारी। 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रशिक्षण और इसी दौरान है विभिन्न विषयों की परीक्षाएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा एवं निर्वाचन विभाग द्वारा मतदान दलों के लिए प्रशिक्षण की तिथियां एक साथ तय कर देने से सरकारी कर्मचारी दुविधा में फंस गए हैं। जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी राजसमंद ने विधानसभा चुनाव 2013 को लेकर दल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रथम प्रशिक्षण की तिथि 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तय की है। इसी दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विषयों की द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है। ऐसे में कार्मिकों के सामने दुविधा उत्पन्न हो गई है, इसके चलते सरकारी कर्मचारी परीक्षा देने जाए और निर्वाचन विभाग के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे तो उन पर कठोर कार्रवाई की तलवार लटक जाएगी। वहीं निर्वाचन आयोग के प्रशिक्षण में भाग ले तो परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। वहीं परीक्षा संपन्न कराने के लिए कई अधिकारी व शिक्षकों की सेवा ली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी सेकंड ग्रेड 2018 संबंधित आज की न्यूज़। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।